तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं साग धोकर रेडी कर ली हूँ, अच्छे से धो ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ उसको बनाने। तो किसी को इसको पसंद है ज़रूर बताइएगा, और मेरा तो फेवरेट, बहुत ही फेवरेट साग है लाल साग। तो आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं ये साग ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और लाल लाल बहुत अच्छा लगता है ये साग। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा करते कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आप सभी को हमारे संगीता न्यू ऑफिशियल चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों अभी सुबह का 10 बज गया है और मैं अभी तक खाना भी नहीं बनाई हूँ, और क्योंकि आज सुबह मैं सुबह लेट सोकर उठी हूँ, क्योंकि क्या बताऊँ नींद ही नहीं खुला है आज। तो आज थोड़ा लेट हो गया है सोकर उठने में। तो अभी मैं सारा काम कर ली हूँ सुबह का, और मैं अभी देख सकते हैं साग भी चुन ली हूँ, और आज मैं बनाने वाली हूँ साग, और साग अभी चुन ली हूँ और इसको मैं धोने जा रही हूँ। तो किस किस को ये साग पसंद है आप लोग ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं मैं लाल साग बना रही हूँ, देख सकते हैं अभी धो रही थी। और किसको किसको ये वाला लाल साग पसंद है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे मेरा बहुत ही फेवरेट साग है, मैं बहुत ही पसंद करती हूँ ये साग को। लाल साग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, और आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और मैं अभी इसको धो रही हूँ, देख सकते हैं अभी मैं धो रही हूँ, और मेरी बेटी भी उठ गई है, और छोटी वाली तो अभी तक सोई है क्योंकि वो रात 12-1 बजे तक जागी थी, इसके कारण अभी सो रही है। तो उसको सोने ही देंगे दोस्तों, और अभी मैं काम कर लेती हूँ। और मैं पानी भी भर के रखी हूँ, क्योंकि पानी टाइम से ही आता है, और ना भर कर रखूँ तो फिर होगा ही नहीं कुछ, इसके कारण मैं पानी भी भर के रखी हूँ दोस्तों, रख ली हूँ, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और मैं आज बनाऊँगी चावल दाल और ये साग। और मुझे चावल के साथ, मतलब भात के साथ ना, हम लोग भात बोलते हैं चावल को, चावल नहीं बोलते हैं, इतने लोग चावल बोलते हैं, तो गांव में चावल बोलते हैं, तो मैं भी थोड़ा बहुत चावल बोलती हूँ। तो मुझे चावल तो उसको हमारे वहाँ बोला जाता है दोस्तों, चावल उसको बोला जाता है जो कच्चा रहता है, उसको चावल बोला जाता है, और बनाने के बाद पक जाता है तो उसको भात बोला जाता है, तो हम भात ही बोलते हैं। तो भात के साथ दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है मुझे लाल साग खाने में, और मेरा फेवरेट साग है ये लाल साग, ले सकते हैं। अभी मैं धो रही हूँ, किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। और मेरी छोटी वाली भी उठ गई है, धो रही है। तो दोस्तों मैं धो लेती हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं साग धोकर रेडी कर ली हूँ, अच्छे से धो ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ उसको बनाने। तो किसी को इसको पसंद है ज़रूर बताइएगा, और मेरा तो फेवरेट, बहुत ही फेवरेट साग है लाल साग, बहुत ही पसंद करती हूँ ये साग को, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। तो आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं ये साग ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और लाल लाल बहुत अच्छा लगता है ये साग। शाम रात को लाए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं सोच बना लेती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी तो ताज़ा ताज़ा है, गांव में तो खेत में से ताज़ा ताज़ा लाते हैं और बनाते हैं, और ये बहुत ही मस्त बनता है, और यहाँ पर तो ख़रीद कर लाना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों फाइनली मैं अभी खाना चढ़ा दी हूँ और साग भी धो ली हूँ, आप लोग देखे ही। और साग धो रहे थे तभी मेरी छोटी वाली बेटी उठ गई है, देख सकते हैं खुशी इधर देखो, देख सकते हैं छोटी वाली बेटी उठ गई है, और बड़ी वाली बाहर शायद खेल रही है, बाहर नहीं जाती, गेट के अंदर ही खेल रही है। और अभी आ गई है, बड़ी वाली भी आ गई, देख सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं मेरा खाना बन रहा है, और दोस्तों आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वाले वीडियो में, और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक बाय बाय।